हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम लोग माइनर टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 8 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड टॉपिक था, उसी पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन में। तैयार सब लोग पहले क्वेश्चन के लिए? देखिए, ए रिजिड टैंक कंटेन्स 35 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 6 atm। सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर टू 9 atm व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू द टैंक। एक हमारे पास कोई टैंक है, ठीक है, ये टैंक है और इसमें नाइट्रोजन भरी हुई है, कितना, दैट इज 35 किलोग्राम एंड द प्रेशर इज गिवन एज 6 atm, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां पर अब इसी में क्या कर दिया गया, कुछ ऑक्सीजन और आ गई, नाइट्रोजन तो थी ही साथ में, ऑक्सीजन और आ गई और अब इसका जो प्रेशर हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 6 atm, ये हमारे पास बना, ठीक है। तो यहां पर देखिए PV इज इक्वल टू एन आर टी, तो N इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, ये लगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, अपन लोग वो निकाल लेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे या पहले प्रेशर कितना था। तो यहां पर देखो P1 इज इक्वल टू N1 आर टी अपॉन PV इज इक्वल टू एन आर टी लगाया तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। वॉल्यूम यहां पर सेम है, वॉल्यूम क्या है यहां पर सेम है, प्रेशर बस केवल चेंज हो रहा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे। तो मतलब क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू N हो रहा है तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि यहां पर अब क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन और अटैच हो गए उसके साथ। तो P1 कितना है बेटा, P1 है अपने पास 6 atm, 6 अपॉन P2 कितना है 9 और यहां पर कितना है 35 था, क्या था, नाइट्रोजन, तो 35 अपॉन 28 कर दिया और फिर यहां पर 35 अपॉन 28 प्लस यहां पर हमने मास मान लिया M और ऑक्सीजन के लिए 32, कट करो 3 2 6 3 3 9, तो कितना जाएगा 3 × 35/28 इज इक्वल टू 2 × 35/28 प्लस 2m/32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोग्राम, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20 किलोग्राम। यू कैन सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑन सेंटीग्रेड स्केल, द इंक्रीज इन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस विल बी, VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m होता है, √3 RT/m। तो अगर हम लोग वहां से देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में जिसमें
आपका एब्सोल्यूट स्केल दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखो, यहां पर एक कंटेनर एक्स हैज डबल वॉल्यूम डबल दैट ऑफ द कंटेनर वाई एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय ए थिन ट्यूब, बोथ कंटेन सेम गैस, द टेम्परेचर ऑफ एक्स इज 200 केल्विन एंड वाई इज 400 केल्विन, इफ द मास ऑफ एक्स इज स्मॉल एम देन व्हाट इज द मास ऑफ वाई। एक्स का मास दिया हुआ है और वाई का मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने लगाया, तो यहां पर क्या बना, एन वन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी ऐसे लगाया, ठीक है। एन यहां पर क्या होता है, यहां पर देख लो, एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू प्रेशर कनेक्टेड बाई ए थिन ट्यूब बोथ कंटेन द सेम गैस, द टेम्परेचर यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया टी टू बाई टी वन इन टू इन टू वी वन बाई वी टू, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते, दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन द मास, तो ये हमारे पास क्या हो गया एम वन बाई एम टू आ गया। अब देखिए बेटा, एक्स को हमने ऐसे मान लिया कि ये वाला एक्स है, मतलब हमारे पास क्या हो गया टी वाई अपॉन टी एक्स इन टू वी एक्स अपॉन वी वाई इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एम वाई। सो व्हाट इज टी वाई, वाई का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है, 400 केल्विन है, और एक्स का टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन है, 200 केल्विन रखा। वी एक्स का वॉल्यूम 2V है और ये वॉल्यूम हमारे पास V है, एम एक्स एम एक्स ठीक है की वैल्यू स्मॉल m दी है और एम वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एम वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल एम बाई 4। आंसर चेक करो बेटा, एम बाई 4 किस में आ रहा है, दैट आंसर इज थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है 3/2 kT, ठीक है 3/2 kT, और यहां पर क्या आ जाएगा 2/2 kT, ठीक है। दोनों का रेशियो एवरेज ट्रांसलेशनल, ये हमारे पास के ट्रांसलेशनल और ये क्या हो गया के रोटेशनल, सब कट करो क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2, आंसर क्या हो गया 3/2। फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी के जो भी पॉस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस आंसर इसका आंसर देना है, और वो क्या कह रहा है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू नहीं लिखा हुआ, नॉट अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, अनुसार नहीं है, कोलिजन आर इन इलेस्टिक, जबकि आपको मालूम है कोलिजन वहां पर इलास्टिक होते हैं, इज इट क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट द रूम टेम्परेचर इज 500 meters per second, देन द आरएमएस स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर। तो देखिए, वी आरएमएस इज इक्वल टू √3 RT पानेम होता है, क्या होता है, ये होता है वी आरएमएस इज इक्वल टू √3 RT अपॉन एम, मतलब वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू जस्ट रूट ऑफ एम 2/m1। अब यहां पर देखो, v1 किसका दिया हुआ है, नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 500 अपॉन v2 इज इक्वल अंडर रूट
ये क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास क्या होगा 28, ठीक है 28, और हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 2, हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 2, काटो 14, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1870, क्या जाएगा 1870 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, मालूम है फॉर्मूला, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, ठीक है। तो अंडर रूट T1 कितना हो गया बेटा हमारे पास 27 प्लस 3 273 अपॉन 927 प्लस 273, ये हमारे पास आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 1200, कैंसिल कैंसिल 1/2 आई मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर विल, टेम्परेचर अगर हमारे पास 927 डिग्रीज इंक्रीज हो जाए देन द वेलोसिटी इंक्रीज टू द डबल। नेक्स्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द स्क्वायर स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसके लिए होता है, जिसके लिए मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ठीक है √3 RT/m, तो किसका आएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए क्यूबिकल बॉक्स वॉल्यूम V एंड देर आर n मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग इन रैंडमली, m इज द मास ऑफ द ईच एंड वी स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो मीन स्क्वायर, तो वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, इज द मीन स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। V स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट, x कंपोनेंट का हमारे पास वो मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है V स्क्वायर, ठीक है, ये क्या दिया हुआ V स्क्वायर, क्या दिया है V स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है V। तो होता क्या है 1/3 एम एन बी बार स्क्वायर होता है, 1/3 एम एन बी बार स्क्वायर होता है, तो यहां पर जो V बार स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 V स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहां पर रख दो P इज इक्वल टू 1/3 एम एन V बार स्क्वायर अपॉन V रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर colliding with the balls and transferring the momentum to the wall of the container, ठीक है आप postulates में आप ये बात पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ टी टू द मॉलिक्यूल ऑफ द डायटमिक गैस, अभी हमने बताया था पीछे 2 RT/RT कितना हो जाएगा RT आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर इंक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉक्स इज ट्रिपल्ड, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉक्स इन ट्रिपल एंड टेम्परेचर एंड द प्रेशर बिकम्स टी डैश एंड पी डैश,
बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको बात ध्यान रखिए, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 nRT, ये होता है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, हाफ एफ एन आर टी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मींस एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ट्रिपल्ड किए गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए गए, ट्रिपल्ड कर दिए गए, तो यहां पर टेम्परेचर 1/3 हो जाएगा। एंड इंक्लूज्ड इन क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम हमारे पास सेम है तो प्रेशर में भी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि जब n इंटू टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मतलब ये टोटल कॉन्स्टेंट आ गया, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। मतलब आंसर नंबर 4, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम CO2 इज मिक्स्ड इन ए कंटेनर ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए बेटा, यहां से क्या आ गया, PV इज इक्वल टू nRT, आप लगा दो, n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू RT, ये लगा दो, ठीक है। P आपको निकालना है, V कितना होगा, 10 इंटू 10^-3, N1 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 8/32 प्लस N2 14/28 प्लस 22/44 और टेम्परेचर क्या दिया हुआ, 27, ठीक है, R की वैल्यू रखो, R की वैल्यू 8.3 रख दो, इंटू कैपिटल टी कितना हो गया, 300, कैपिटल टी क्या हो गया, 300। और इस पूरे का जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या जाएगा, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, P इज इक्वल टू आएगा 3×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 टाइम्स बन जाएगा। द रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस फॉलो ए प्रोसेस, PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच आपको ग्राफ बनाना है, PT का रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको किस में निकालना है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम में, मतलब आपको PT इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो P तो एज इट इज रखना है, और PV इज इक्वल टू nRT से T कितना हो गया, PV/nR रखोगे, क्या रखोगे, PV/nR इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से क्या बना हमारे पास, P²V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हो गया, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास स्मॉल m एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर P इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन B, ये आपका इस फेस से दिया हुआ है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल mRT, ये हमारे पास बात बनी, ठीक है। तो V अपॉन T क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि V और T हमें लेना है, तो V अपॉन T हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना m अपॉन m R अपॉन P, ठीक है, क्या बन गया, m अपॉन m R अपॉन P, तो V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन P के इक्वल बना, V upon T is equal to M upon, proportional to M upon P. अब वो क्या कह रहा है कि मास 2m कर दिया गया और
प्रेशर 2p कर दिया गया। तो यहां पर जो हमारे पास जो स्लोप आएगा वी ओ टी का, तो हमारे पास स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 2m अपॉन 2p जब करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो क्या रहेगा हमारे पास, आंसर बी ही रहेगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ए गिवन मास ऑफ द गैस एक्सपेंड फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी विद थ्री पाथ 1, 2 एंड 3 शोन इन टीवी इंडिकेटर डायग्राम। If W1, W2 and W3 respectively be the work done by the gas along the three paths, then एक इस पाथ से गया, एक इस पाथ से, एक इस पाथ से, ठीक है। तो पहले हमें W1 निकालें, तो NRT W1 is equal to NRT B log VB upon VA, ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में क्या हो रहा है, यहां से यहां तक देखिए वॉल्यूम सेम है, यहां से यहां तक वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो कितना हो गया, वॉल्यूम सेम है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो W2 की जो वैल्यू आएगी NRT, W2 हमारे पास क्या आ जाएगा, NR टी बी माइनस टी ए, ये होगा। और W3 क्या हो गया, W3 देखिए ध्यान से, W3 कितना होगा यहां से, अब हम इस वाले पोजीशन पे आ गए, ये वाले पे, ठीक है। यहां से देखो, यहां से यहां तक तो कुछ होने वाला है नहीं, वॉल्यूम सेम है, यहां पे वर्क डन जीरो रहेगा। तो एन आर टी ए log VB upon VA। तो यहां पर टेम्परेचर देखो, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस देखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये W3 है कि ये वाला जो वर्क डन होगा ये सबसे कम होगा, उससे थोड़ा ज्यादा ये होगा, सब ज्यादा ये होगा, तो W1 विल बी मोर देन W2 मोर देन W3, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस शोन इन द फिगर। यहां पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इधर बेटा टेम्परेचर दिया हुआ, ठीक है, यहां पर ये मिसिंग हो गया है, टेम्परेचर है। तो यहां पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो कि ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए जैसे जैसे बी से सी की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, मींस क्या बनेगा, यहां पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, कब, ड्यूरिंग बी टू सी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन ए सिलेंडर बाय द फ्रिक्शनल पिस्टन, इनिशियली टेम्परेचर टी, द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड वॉल्यूम इज डबल, ठीक है। तो W बराबर पी डेल्टा भी लगा दें, W बराबर पी डेल्टा भी लगा दें, ठीक है, W बराबर पी डेल्टा वी। तो कितना हो जाएगा, पी वी आ जाएगा, और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। एन वहां पर क्या दिया, वन मोल है, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, आरटी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए पॉलीटॉमिक गैस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम डज 25 जूल वर्क डन व्हेन एक्सपेंडेड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर देन हीट गिवन टू द, देखो W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है, W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ठीक है, W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। U इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय 2 एन आर डेल्टा टी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है, 6 दिया है। तो 6/2 एन आर डेल्टा टी काटो तो आ जाएगा 3, यू इज इक्वल कितना हो गया 3 एन आर डेल्टा टी। तो ये तो हो गया यू और ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। हमें हीट पूछ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, अगर ये इसको हम डेल्टा यू मान लें, डेल्टा यू मान लें, डेल्टा यू मान लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एन आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी हमारे पास दिया हुआ है 25, तो 4 इंटू 25 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100 जूल आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इन द साइक्लिक प्रोसेस एबीसी द पीटी डायग्राम इज गिवन, द पीटी डायग्राम इज गिवन व्हेन डिसेंडेंट, ठीक है, डिस्क्राइब्ड ऑन पीवी। अगर पीवी पर हम इसको दिखाएं तो देखो क्या होगा। देखिए ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, देखो सब से में ए से बी तक सब में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन बाकी बातें जरा चेक कर लो। ए से जब हम बी की तरफ चले तो यहां पर देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सी से ए की तरफ जब चल रहे हैं, जब सी से ए की तरफ चल रहे तो यहां पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब एक या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये वाला पहला वाला तो गया। अब आगे देखिए बी टू सी की बात कह रहा है, बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी ग्राफ में हमारे पास ये आ गया, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। इसका बात है बेटा क्वेश्चन नंबर अपन लोग 22 पर, ए वेसल कंटेन्स एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस विच एक्सपेंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हेन हीट क्यू इज गिवन टू इट, देन व्हाट इज द वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन। तो देखो W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर डेल्टा टी, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ R by 2 plus R, F monatomic है, 3 हो गया, तो 3R by 2 plus R मतलब कितना हो जाएगा, 5R by 2, ये हमारे पास बात बन गई, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यू आप रखो जरा बेटा, Q is equal to N 5R by 2 delta T, N R delta T, एन आर डेल्टा की जगह आप डब्ल्यू लिख सकते हो, तो 2Q/5 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर एन आइडियल गैस विच इज करेक्ट, डी यू इज ऑलवेज जीरो व्हेन नो हीट इंटर्स आर लीव द गैस, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। The amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of ideal gas through 10 K at constant pressure is 272
207 जूल, ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग बेटा मिस्टेक हो गया, कीपिंग द सेम गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 के. अब देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर बात करा है और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर दिया हुआ है. तो देखो कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करा है तो Q एट प्रेशर इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है. तो Q की वैल्यू क्या दे रहा है 207, N की वैल्यू 1 मोल, Cp आपको निकालना है और ये हो गया हमारे पास 10. तो Cp कितना आ गया, ये हो गया 20.7. अब आपको Q एट V निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है. तो Cp इज माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है तो सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी माइनस आर हो जाएगा. तो 20.7 माइनस 8.3 मान लो तो कितना जाएगा 12.4 करीब आएगा, ये कितना आ जाएगा 12.4. तो क्यू वी कितना हो गया हमारे पास एन की जगह 1 एंड 12.4 और टेम्परेचर में चेंज कितना है 10, ठीक है 10 के. तो कितना हो गया 124 जूल, आंसर 124 जूल आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. एन आइडियल सिस्टम कैन बी ब्रॉट फ्रॉम स्टेज ए टू बी थ्रू फोर पाथ एज शोन इन द फिगर. द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज मिनिमम. इसमें हमारे पास किस पर आएगा मिनिमम, ध्यान से देखिए, ठीक है, जिसमें वर्क डन सबसे ज्यादा होगा वही वाला पाथ आप सिलेक्ट कर लो, ए सी बी. तो कौन सा होगा पाथ, ए सी बी. नेक्स्ट, इन द प्रॉब्लम वर्क डन अलोंग द पाथ बी सी, बी सी के अलोंग वर्क डन क्या है, बी सी, बी सी डेल्टा भी क्या हो गया 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0. नेक्स्ट, व्हेन एन आइडियल गैस, आइडियल डायनामिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट इज गिवन टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी. देखिए तो जो क्यू होता है वो क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एन सी पी, सी पी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी गैस है डायटमिक है, ठीक है, एफ आर बाई टू प्लस आर डेल्टा टी. तो क्यू इज इक्वल हमारे पास हो गया एन फाइव आर बाई टू प्लस आर डेल्टा टी. तो क्यू इज इक्वल कितना हो गया, कितना हो गया ये हमारे पास आ जाएगा सेवन आर बाई टू एन डेल्टा टी, ये हो गया क्यू. और डेल्टा यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, एन सी वी डेल्टा टी. तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी. तो डेल्टा यू कितना हो गया हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा एन फाइव आर डेल्टा टी बाई टू. तो डेल्टा यू बाई क्यू पूछ रहा है, डेल्टा यू बाई क्यू पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 5/7, कितना आ जाएगा बेटा 5/7 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए, एक गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम टू 4 मीटर वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10-4 मींस ये हो गया हमारे पास 6 मीटर क्यूब. एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. गैस इज हीटेड बाई गिविंग 100 जूल इसको दिया गया. तो W हमारे पास क्या हो गया, W बराबर हो गया P डेल्टा V. तो कितना आ जाएगा 6 × 50, कितना आ जाएगा 300 जूल, यह ठीक है. अपने को क्या निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, कैसे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू कर लो
कर लो भैया, डब्ल्यू क्यू कितना है हमारे पास, 100, 100 माइनस डब्ल्यू कितना है, 300, तो कितना आ जाएगा, माइनस 200 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, ये वाला डिक्री, माइनस निगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज फाउंड टू बी माइनस 100 जूल, व्हाट इज द वर्क डन। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में नाइदर हीट इज गिवन टू द सिस्टम नॉट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो जो भी हमारे पास वर्क डन होता है, ठीक है, वो हमारे पास किसके को लाएगा, देखो dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW होता है, dQ ये हो गया जीरो, तो dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ dU, तो माइनस माइनस 100 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 जूल, कितना आ जाएगा बेटा, 100 जूल। आंसर फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फोर कर्व ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन इन द फिगर फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, द कर्व रिप्रेजेंटिंग एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इसमें बताना है, तो आइसोथर्मल जो ग्राफ होता है तो हमें पहले क्या बताना है, एडियाबेटिक, तो जिसका स्लोप ज्यादा हो वो एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम हो वो आइसोथर्मल, ए का स्लोप ज्यादा है बी का स्लोप कम है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 31। देखो ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको मालूम है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब क्या हो गया, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी पावर गामा, ठीक है। तो यहां से बात देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वन अपॉन वी पावर गामा, मतलब क्या हो गया, पी प्रोपोर्शनल टू डी पावर गामा, ऐसे लिख दें, पी प्रोपोर्शनल टू डी पावर गामा, इसका मतलब क्या हो गया, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 पावर गामा, पावर गामा ऐसे मान लें, तो कितना आ जाएगा, P1 D2 पावर गामा इज इक्वल टू P2 D1 पावर गामा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्स अप 800 जूल हीट फ्रॉम द रिजर्वायर इन वन साइकिल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द इंजन कैलकुलेट करवा रहा है। तो यहां पर देखो दो चीजें दी है, क्या दिया है, वर्किंग बिटवीन 27 एंड 127, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, जो ग्रेटर टेम्परेचर है सोर्स का टेम्परेचर हो गया 127 प्लस 273, कितना आ गया 400 केल्विन आ गया, और जो T2 सिंक का टेम्परेचर है दैट इज 27 प्लस 273, ये हमारे पास आ गया 300 केल्विन, ठीक है। अब Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, ये आपको मालूम है, तो Q2 बाई Q1 कितना है 800 इज इक्वल टू T2 कितना है 300 अपॉन 400, 4 2 8, तो Q2 हमारे पास क्या आ गया 600 जूल, ये आ गया, ये तो हो गया Q2 की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है बेटा, Q2 नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो यही हमारे पास होता है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, Q1 कितना था, ये है 800, 800 से 600 निकल गया, तो W हमारे पास क्या आ गया 200, आंसर क्या आ जाएगा 200 जूल, आंसर क्या आएगा बेटा 200 जूल। नेक्स्ट
देखिए बेटा, एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन ए वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल, हाउ मच हीट सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल। देखिए क्या कह रहा है यहां पर आपका बेटा, Q1 माइनस Q2 दिया हुआ है 800 जूल, क्या दिया है 800, T1 दिया हुआ 600 केल्विन और T1 दिया हुआ आपका 300 केल्विन। आपको मालूम है 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। यहां पर क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, ठीक है, T1 माइनस T2 बाई T1, ये आपको मालूम है। और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ बेटा 800 अपॉन Q1, T1 माइनस T2, व्हाट इज T1 माइनस T2, ये T2 था, तो 600 माइनस 300 अपॉन 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 T1 कितना हो गया 600, तो ये आ गया 300 से कट करो 2 आ जाएगा, तो Q1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1600 जूल, कितना आ जाएगा बेटा 1600 जूल, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब हीट हमें कितनी देनी पड़ेगी, दैट हीट विल बी प्रोवाइडेड एज 1600 जूल। नेक्स्ट, ए कार्नोट इंजन हुज सिंक एट टेम्परेचर 300 केल्विन, मतलब T2 हमारे पास दिया हुआ है 300 केल्विन एंड इफिशियंसी इज 40% का, मतलब क्या हो गया 0.4, ऐसे दे दिया गया। तो अब हमें सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, तो T1 ये हमारे पास हो गया 0.4 अपॉन 1 माइनस T2, T2 हो गया 300 बाई T1, तो यहां से क्या आ जाएगा 300 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 करंट, क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, तो T1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 500 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करें कि इफिशियंसी कितनी हो जाए 60% हो जाए, मतलब ईटा हमारे पास अब क्या हो जाए 0.6 हो जाए, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है बेटा, T2 है हमारे पास 300 अपॉन T1 प्लस T-dash, ये निकाल लो, तो 300 अपॉन T1 कितना है 500 प्लस T-dash इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये आ गया 0.4, कितना आया 0.4, तो T-dash इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व कर लो, T-dash प्लस 500 इज इक्वल टू 3000 बटे 4, 750 आ जाएगा, तो T-dash आ जाएगा 250, 250K। नेक्स्ट, द थ्री पार्टिकल हैविंग ए स्पीड 2u, 10u एंड 11u, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, RMS स्पीड, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 2u स्क्वायर प्लस 10u स्क्वायर प्लस 11u स्क्वायर अपॉन 3, ऐसे कर लो बेटा, क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर आएगा प्लस 100u स्क्वायर आएगा प्लस 121u स्क्वायर आएगा अपॉन 3 किया, तो VRMS हमारे पास आ गया रूट ऑफ 225u स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा u रूट 75, ये आया, ये हो गया VRMS की वैल्यू। अब ठीक है भाई, अब क्या निकाल लो, मीन स्पीड निकाल लो, तो v मीन कितना हो गया, तीनों को ऐड कर लो, ऐड करो बेटा 2u प्लस 10u प्लस 11u अपॉन 3, इसको करीब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23u बाई 3, 7.8u के आसपास आएगा, और ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग कितना बढ़ जाएगा, ये देखो बेटा ये वैल्यू हमारे पास कितनी बढ़ जाएगी, आरएमएस की वैल्यू हमारे पास करीब करीब यू बढ़ जाएगी, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, यू बढ़ जाएगा,
नेक्स्ट, व्हेन द यूनिट मास ऑफ वाटर बॉयल बिकम्स स्टीम एट 100 सेंटीग्रेड इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ हीट द डेंसिटीज ऑफ द वाटर एंड द स्टीम आर रो वन एंड रो टू रेस्पेक्टिवली एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी जीरो देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है. तो देखो बेटा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा क्यू माइनस पी जीरो डेल्टा वी. तो डेल्टा यू क्या हो गया क्यू जीरो माइनस पी जीरो वॉल्यूम. ठीक है तो एम अपॉन रो टू इस तरीके से चलेंगे हम लोग डेल्टा वी अगर डेंसिटी के साथ चलेंगे. ठीक है ये क्या आ जाएगा वन अपॉन रो टू माइनस वन अपॉन रो वन. क्यों डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप लेके चलो यूनिट मास है तो एम अपॉन ये आ जाएगा एम अपॉन ये आ जाएगा एम की वैल्यू वन हो गई. अगर हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे तो क्यू माइनस पी जीरो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी जीरो अंदर ले जाओ तो प्लस पी जीरो वन अपॉन रो वन माइनस वन अपॉन रो टू. चेक कर लो बेटा आंसर कौन सा करेक्ट है आंसर सेकंड इज करेक्ट. एन आइडियल गैस फाउंड टू ओबे एडिशनल लॉ पी स्क्वायर वी इक्वल कांस्टेंट द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी इट व्हेन इट एक्सपेंड्स टू द वॉल्यूम टू वी देन व्हाट इज द टेम्परेचर. तो देखो बेटा पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी ये होता है फॉर्मूला. तो P स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये कैंसिल इसका मतलब टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक है सो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू T1 upon T2 is equal to क्या बनेगा अंडर रूट V1 upon V2. T1 है टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है V1 हमारे पास V है और वॉल्यूम हो गया बेटा 2 कितना हो गया T2 हमारे पास क्या आ गया रूट टू टी रूट टू. नेक्स्ट एन आइडियल गैस टेकन थ्रू द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है डेल्टा यू हो गया जीरो इसका मतलब क्या हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर. ठीक है क्यू वन माइनस 5583 माइनस 2980 ठीक है क्यू वन कितना था 5960 क्यू टू हमारे पास हो गई है क्यू थ्री कितना हो गया ये क्यू फोर कितना बेटा 3645 डब्ल्यू वन माइनस 825 डब्ल्यू टू जीरो डब्ल्यू थ्री 1100 डब्ल्यू फोर आपको निकालना है. चलो पहले इन दोनों को जोड़ लो 5, 4 and 6, 10, 1, 9, 1, 10 and 6, 16, 1, 4 and 5, 9, minus 3 ये आया. ठीक है और ये इधर से आ गया माइनस 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 1100 इज इक्वल टू माइनस 825 प्लस डब्ल्यू फोर.
9605 माइनस ये हो गया 95 65, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 824, 825. अब देखो बेटा कितना हो गया, नाइन सिक्स जीरो फाइव, 9565, 0 4 0 40, ठीक है. इससे W4 आपको निकालना है. इसमें बेटा डेटा में कुछ मिसिंग है, ठीक है. वैसे 765 आता है. The amount of heat required to raise the temperature of diatomic gas by 1 degree centigrade at constant pressure is Qp and constant volume is Qv. The amount of heat which goes and internal energy of the gas in the two cases is nearly. देखिए Qp is equal to एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, और क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी. तो कितना आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द टू केसेस, सी पी अपॉन सी वी हम लोग निकालेंगे, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, और सी पी अपॉन सी वी का कैसा दिया बेटा, गामा डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए क्या होता है, 1.4 होता है. यहाँ वैल्यू रख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.71 आ जाएगा. बॉइलिंग वाटर चेंजेस इंटू स्टीम अंडर दिस कंडीशन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वॉटर इज 1. नेक्स्ट, द थ्री लिक्विड हैविंग मासेस m1 m2 एंड m3 आर मिक्स, द स्पेसिफिक हीट्स आर s1 s2 एंड s3, द टेम्परेचर ऑफ दिस वन, देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, कुल टोटल स्पेसिफिक हीट निकाल लिया और इसे डिवाइड कर दिया, m1 थीटा 1 प्लस m2 थीटा 2 प्लस m3 थीटा 3, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 42. ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड वेइंग 3.5 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 2000 मीटर ऑन द स्नो माउंटेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द स्नो इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, ठीक है. तो MGH इज इक्वल टू ML कर दें, क्या करते बेटा, MGH इज इक्वल टू ML, कितनी आइस मेल्ट करेगी. तो यहां पर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 3.5 × 10, और ये हो गया हमारे पास 2000 m, और ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, दैट इज 3.5 × 10⁵, ये दिया हुआ, इससे ये कैंसिल, 1 2 3 4, ये 4 0 कैंसिल, एक बचेगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम मतलब क्या आ गया, 200 ग्राम ऑफ आइस,
नेक्स्ट, व्हेन द वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड देन इट लिबरेट्स द हीट. ठीक है बेटा, क्या होगा, ये हीट लिबरेट करेगा. बात समझ आ गई, ये क्या करेगा, इट विल लिबरेट द हीट. 43. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आते हैं 44 में. 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद 4.4 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस इज गिवन एस. ऐसा देखिए कैसे करना है. पहले आइस हमारे पास दी है, 1 किलोग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये किस में जाएगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में जाएगी और 1 किलोग्राम रहेगा. ठीक है, इसके बाद ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा. ठीक है, पहले तो यहाँ तक आए. ठीक, तो इसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो जरा देख लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक Q1, यहाँ से यहाँ तक Q2 और ये Q1. तो आइस का स्पेसिफिक हीट हमारे पास दिया हुआ है, देखो कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू कितना आएगा, 2100, टेम्परेचर हो गया 10, प्लस Q2 कितना हो गया, ML, Q2 क्या हो गया, ML, कितना आएगा, M into L, L कितना हो गया हमारे पास, 4200. तो 21,000 ये हो गया और ये हो गया 4200. तो Q कितना हो गया हमारे पास, 25,200 ये हो गया, इतने जूल की हीट है उसके पास. अब आगे देखो, 4.4 किलोग्राम वाटर है और कितने पर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और इसको अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएं तो हीट कितनी लिबरेट करेगा ये देखना है अपने को. तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा करेंगे तो Q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, m हो गया 4.4 इंटू s हो गया हमारे पास, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, इंटू 1 इंटू 30, चार्ज को 17, ये हमारे पास आया. ठीक है, अब करीब ये हीट हम इसमें से हटा दें. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 155,000 आ जाएगा अपॉन एम एस डेल्टा थीटा. एम कितना हो गया, 5.5,
लगभग लगभग 6 मान लें, 25, 6। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.7 किलोग्राम के आसपास, सॉरी 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक जाना है, उसके लिए कितनी हीट यहां पर रिक्वायरमेंट है वो हमने देख लिया। और ये 4.4 किलोग्राम का है और इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें लाने के लिए, अब इस ये कितनी हीट लिबरेट करेगा, कितनी हीट ये देगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब जो हीट का जो डिफरेंस आएगा वही टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वहां से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड स्लोली टू 1400 ग्राम ऑफ वाटर एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रेज टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड टू दिस इज 1400 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो स्टीम पर कितने बढ़ती है, 1400 का मास हमने m मान लिया। ठीक है, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, ये आया होगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आया होगा, और वाटर के बाद फिर ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना होगा। ठीक है, अब 1400 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या था, वाटर था हमारे पास 1400 ग्राम था वाटर, और ये हमारे पास किस पर था, ये था 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये हमारे पास कितना बना 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना। ठीक है, तो देखो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, Q इज इक्वल टू एम कितना है 1400 इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा कितना हो गया 64, तो ये हो गया 0 0। ये हमारे पास आ गया कितने जूल आया। ठीक है, अब इससे बन रहा वाटर तो 540 ये हो गया, और ये हमारे पास बना 20 प्लस 20 एम ये हो गया, तो कितना हो गया 560 एम इज इक्वल टू ये हो गया 1400 इंटू 64 ऐसे मान लेते हैं, तो 14 से काटो ये आ गया 100, ऐसे एक से एक कटा, चार से इसको काटो 16, एम इज इक्वल टू कितना हो गया 160 ग्राम। आंसर क्या आ गया 160 ग्राम आ जाएगा। तो ये बेटा आपका काइनेटिक थ्योरी का पूरा पेपर का डिस्कशन हो गया, एक बार आप अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटा बढ़िया किया होगा। ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।